हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज सबसे बहुत बड़ी खुशखबरी के दिन है, खास करके उन छात्रों के लिए जो पीसीएस के तैयारी करते हैं। वो बिहार पीसीएस हो, झारखंड पीसीएस हो, या यूपी पीसीएस हो, या मध्य प्रदेश पीसीएस हो। इसी के बीच में एक आज नोटिफिकेशन आया है, जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का रिक्वायरमेंट है दोस्तों। तो इसी के बारे में हम आप लोग के बीच ये अपडेट लाया हूँ मैं। सबसे पहले दोस्त बताता हूँ आप लोग को, चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा के और लाइक ज़रूर कर दें, ताकि कोई भी जेपीएस के झारखंड पीसीएस कुछ भी अगर ऐसा नोटिफिकेशन आए तो आप लोग के पहले मैं अवगत करा सकता हूँ दोस्तों। तो मैं आपको सबसे पहले तो इसके एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में बात करूँगा, कैसे कैसे डेट है, क्या है, नहीं है। फिर सिलेबस के बारे में डिस्कशन करूँगा एक एक करके। फिर एग्ज़ाम पैटर्न है के बारे में डिस्कशन करूँगा, इसका क्या होता है, नहीं होता है। फिर लास्ट ईयर कट ऑफ के बारे में भी इसमें मैं डिस्कशन करूँगा। बेस्ट बुक कौन है, क्या पढ़े, नहीं पढ़े, जिससे आपको सिलेक्शन हो जो 100%, वो मैं डिस्कशन करूँगा। फिर एग्ज़ाम डेट और सैलरी की डिस्कशन करूँगा, और आप घर बैठे कैसे तैयारी करें, सबसे घर बैठे कैसे तैयारी करें, वो भी मैं इसमें डिस्कशन करूँगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये आप लोग के बीच ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं जो आया है, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये नोटिफिकेशन जो है देख सकते हैं आप लोग, झारखंड लोक सेवा आयोग सर्कुलर रोड रांची से दिया गया विज्ञापन से। ये वैकेंसी 2017, 18, 19 तीनों को इंक्लूड करके दिया गया है। ये 7वां जेपीएस का एग्ज़ाम होगा। ठीक है दोस्तों, तीनों इंक्लूड करके दिया गया है। अप्रोक्स इसमें जो सीट दिया गया है वो आप लोग को मैं बताता हूँ। जो दिया गया है सीट देख सकते हैं आप लोगों, मैं एक एक करके दिखाता हूँ सीट के बारे में। देख रहे हैं उप संहारता कार्मिक का 82 सीट दिया गया, जो सबसे ज़्यादा सीट है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद ये देख रहे हैं आप लोग सहायक नगर नियुक्ति का जो दिया गया है वो 65 सीट है। और उसके बाद जो दिया गया है आपको झारखंड शिक्षा सेवा वर्ग के लिए 39 सीट है। और देख रहे हैं आगे करके मैं डिस्कशन आप लोग को कर रहा हूँ। और आप लोग अगर बेल को नहीं दबाए हैं और चैनल को लाइक नहीं किया, सबसे पहले लाइक ज़रूर कर देना, ताकि आगे मैं सारा डिस्कशन बताऊँगा। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को बने रहें। देख रहे हैं नियोजन पदाधिकारी जिला, नियोजन पदाधिकारी का 7 है। पुलिस जिसको बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, पुलिस उपाधीक्षक ग्रे 40, DSP जिसको हम लोग बोलते हैं वो सीट 40 है। जिला समुदाय 16 है। सहायक योजना 18 सीट है, यानी टोटल सीट जो है दोस्तों 267 सीट है। यहाँ पे देख रहे हैं 267 सीट है टोटल सीट दोस्तों। मैं बात आप लोगों को कर रहा हूँ, ये नहीं है जो झारखंड के ही बच्चे के लिए भर सकते हैं। ये बिहार के बच्चे, यूपी के बच्चे, बंगाल के बच्चे, या मध्य प्रदेश के बच्चे, या कोई भी स्टेट के बच्चे हो वो भर सकते हैं। बस एक चीज़ वहाँ कट कर दिया गया है, क्या जो आप लोग को ये मतलब जो कैटेगरी होता है ना, जैसे OBC हो गया, जनरल हो गया, SC ST हो गया, जो आरक्षण है आप लोग को वो नहीं मिलेगा। बाकी आप लोग जनरल सीट पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी स्टेट के बच्चा कर सकते हैं। जनरल सीट जनरल के लिए 120 सीट है दोस्तों, बाकी सीट आरक्षित किया हुआ है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये देख रहे हैं आप लोग, ये ग्रेड पे दिया हुआ है, 9300 से 3800 है, 5400 ग्रेड पे है इसका दोस्तों। सबका ग्रेड पे एक एक करके दिया हुआ है दोस्तों, आप समझ सकते हैं कितनी अच्छी जॉब है, कितनी अच्छी PCS है। इसमें सैलरी क्या होगा आप लोग तो समझ सकते हैं, ग्रेड पे इतना अच्छा है तो सैलरी कितना अच्छा होगा। तो अप्रोक्स आप लोग को 58,000 से अभव ही सैलरी मिलेगा, और 1,25,000 के समथिंग तक जाएगा। इसका शैक्षणिक योग्यता जो है वो देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि दिया गया है दोस्तों, जो 1 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। मैं वो भी PDF आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपकी शैक्षणिक योग्यता जो होगा वो देख लीजिए क्या है दोस्तों। देख रहे हैं यहाँ से कोई भी जो ग्रेजुएशन डिग्री हो वो ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वो कैंडिडेट करेंगे जो पास हो चुके हैं, ऐसा नहीं जो आप अपियरिंग है ग्रेजुएशन में, लास्ट ईयर में है तो वो फिलअप कर सकते हैं, वो फिल कभी नहीं कर सकते हैं। वो जो पास हो चुके हैं वही अप्लाई कोई फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की जनगणना दिया हुआ है 1/8/2019 से लेके, देख रहे हैं 1/8/2019 से लेके और इसी के बीच में 1/8/2011 के बीच में ये फॉर्म को डेट का उम्र का जो दिया गया है वो है दोस्तों। आप लोग आगे देख रहे हैं उम्र सीमा दिया हुआ, अनुचित का दिया हुआ है 35 वर्ष, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित पुरुष और महिला को अधिकतम 40 वर्ष दिया हुआ, जिसका आरक्षण है जो उन लोग को 40 से है, जो जनरल में है वो 35, जिसका एज है वहाँ तक वो भर सकते हैं।
अधिकतम दिया हुआ पिछला वर्ष का 37 वर्ष, जो आरक्षण वाले हैं उस सब के लिए स्पेशल दिया हुआ है कोटा, उस सब के लिए कोई डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। आप नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम पर दे दूँगा, आप लोग सारा ये देख सकते हैं एक एक करके दोस्तों। तो ये देख रहे हैं, देख रहे हैं कितना अच्छा पोस्ट सब है दोस्तों, आप लोग इसको ज़रूर फॉर्म फिलअप करें, बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि ये बहुत दिनों के बाद आई है, तो आप लोग खास करके इसको तो भरना ही भरना है। और दोस्तों इसका जो सिलेबस देखिए, इसका एग्ज़ाम पैटर्न है वो देख लीजिए, जनरल स्टडी पेपर वन है दिया हुआ, जनरल स्टडी पेपर वन ये देख रहे हैं, जनरल स्टडी पेपर वन और जनरल स्टडी पेपर टू, दो पेपर में ये होगा। प्री में पूछा जाएगा, मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें प्री में जो होगा वो 10 क्वेश्चन झारखंड से रहेगा और ये पेपर टू में 100 क्वेश्चन झारखंड से रहेगा, ठीक है दोस्तों। यानी टोटल झारखंड से क्वेश्चन जो हुआ वो 110 क्वेश्चन हो गया, तो इसके लिए आप लोग को झारखंड स्पेशल पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। टोटल मार्क्स 200 का एग्जाम होगा, पेपर वन होगा, देख रहे हैं एक एक करके मैं एनिशेंट इंडिया पूरा दिया हुआ है, इसमें कौन कौन टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है, कितना नंबर का आता है, वो सारा दिया हुआ है, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, जितना भी है, इकोनॉमिक्स से, करंट अफेयर से, साइंस से, टेक्नोलॉजी से, सारा कुछ इसमें दिया हुआ है दोस्तों। एक एक करके आप लोग देख सकते हैं, मैं टेलीग्राम पर इसको मैं दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग अगर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले वो कर लीजिएगा, और लास्ट एक वीडियो को बने रहे, मैं आप लोग को सिलेबस के बारे में बताऊंगा, बता ही रहा हूं, और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बता दिया हूं दोस्तों। अब इसका जो है दोस्तों, ये सिलेबस देख रहे हैं, पेपर वन के लिए कितना कितना जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, एबिंग टू, 3 आवर्स का एग्जाम होगा, ये होगा, प्री होगा, फिर मेंस होगा, ये सारा आप सिलेबस से देख सकते हैं एक एक करके। मैं सारा डिस्कशन जो है वो मैं बता दिया हूँ, आप बस देख सकते हैं पीडीएफ को खोल के, आप लोग मैं टेलीग्राम पर दे दूँगा, लास्ट तक ये है देख सकते हैं दोस्तों। ये सीट देख रहे हैं, सीट का भी दे दिया गया है सब कुछ, मुख्य परीक्षा प्रथम सामान्य जितना होगा, ये सारा डिस्कशन दे दिया गया है। परीक्षा शुल्क, सबसे बड़ी बात जो आप परीक्षा शुल्क देखिए दोस्तों, आप परीक्षा शुल्क SBI के कार्ड से, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, कोई भी चीज़ से पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। देख रहे हैं जो जनरल में है उसके लिए 600 फी रखा गया है, जो जनरल में है, और जो आरक्षण में उसके लिए 150 रखा गया है, ठीक है दोस्तों। तो जो अदर स्टेट वाले बच्चा हैं उनके लिए तो 600 फीस हो गया, जो झारखंड से बच्चा है जनरल से उनके लिए भी 600 फीस हो गया, बाकी जो आरक्षण में SC ST ये सब है उनके लिए 150 का ये फिर गया, आप लोग देख सकते हैं। आवेदन भरने की जो होगी ये ऑनलाइन झारखंड ये लिंक है दोस्तों, इस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं, ये लिंक है, इस पर आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। देखो दोस्तों, आप इसके बाद आप लोग को बुक कौन कौन सा पढ़ना है देख लीजिए दोस्तों। हिस्ट्री की बुक पढ़नी है, हिस्ट्री के जो है कहते हैं महेश भट्ट का आता है, महेश कुमार का आता है वो, और स्पेक्ट्रम आती है एक ठो छोटी सी बुक है मॉडर्न की, स्पेक्ट्रम आती है वो पढ़ लीजिए, और ये मध्यकालीन भारत जिसको बोलते हैं वो बिपिन चंद्रा का पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है। ज्योग्राफी का भी वही महेश कुमार बर्नाल का बुक है, और सब पोल्टी M. लक्ष्मीकांत, ये तो जिंदाबाद है दोस्तों सभी के लिए, ये तो रामबाण का काम करता है पोल्टी का। उसके बाद इकोनॉमिक्स के लिए जो दोस्त है वो बुक है, आप मैं बता रहा हूँ उसके लिए आप, हाँ इकोनॉमिक्स के लिए जो बुक था वो था दृष्टि पब्लिकेशन की एक आती है बुक, वो बहुत अच्छी बुक है, खासकर मैं वो उसको पढ़ा हूँ, बहुत अच्छा बुक है वो आप पढ़ें। उसके बाद करेंट अफेयर के लिए तो आप घटना चक्र है, प्रतियोगिता दर्पण है, ये सब पढ़ सकते हैं, कोई भी वार्षिकांक लेके, और करेंट अफेयर का डेली जो होता है ना एक वो पढ़ें, मतलब रूटीन बना के जो करेंट अफेयर पढ़ना है, बहुत आजकल का एग्जाम में तो करेंट अफेयर का बहुत बड़ी ये सेगमेंट रहता है। और लुसेंट की एक सामान्य ज्ञान आती है और सामान्य विज्ञान यो जरूर पढ़ें क्योंकि वो बहुत अच्छी बुक है। और मैथ हर के लिए जो है वो RS अग्रवाल पर है, बाकी जो भी है बहुत अच्छी बुक है, मैं बताते रहूँगा, और भी कोई बुक मुझे अच्छा लगेगा वो आप लोग को बताता रहूँगा दोस्तों। नेक्स्ट ईयर का कट ऑफ देख रहे हैं, अनडिजर्व कैटेगरी के लिए 138 नंबर था, और SC ST के लिए 119 नंबर था, SC के लिए 121 था, ST के लिए 119 था, BC1 के लिए 132 था, ये कट ऑफ है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, मैं PDF आप लोग को दे दिया हूँ दोस्तों। तो मैं आप लोग को घर बैठे पढ़ने का भी सलाह दे रहा हूँ, कैसे कैसे तैयारी करना है उसके लिए हम आप लोग के लिए इस पर अब बहुत सारे अपडेट देते रहेंगे, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है वो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, तो उस पर आप लोग को बताऊंगा घर बैठे कैसे कैसे पढ़ना है। बस जितना बुक बताए हैं वो पहले आप एक चैप्टर वाइज पैटर्न करके पढ़ें, उसके बाद मैं इस पर इसके GS के क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोग के लिए एक दो दिन के बाद से प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूँगा। हेलो दोस्तों, थैंक यू। लास्ट एग्ज़ाम डेट दोस्त है अप्रोक्स, मान लो ना अभी फरवरी है ना, तो वो जून जुलाई में इसका एग्ज़ाम PT का हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।